नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो में। मैं हूं विवेक चौधरी और अभी आज जा रहे हैं अपन अपने जो चने की अपन ने बोनी की हुई है उसमें दवाई डलवाने के लिए, मतलब दवाई डल रही है उसे देखने के लिए जाना है। बाकी ये रहा दिव्यांश भाई का फार्म हाउस जिसमें उनकी तुलाई चल रही है, क्योंकि मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ उनके। और ये इधर भी देखिए बोनी का काम चल रहा है और कुछ दिन का बचा हुआ है। बाकी अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, जो ट्रैक्टर है वहाँ पे दवाई डलना है अभी चने में, ताकि जो चारे वगैरह हैं वो ना हो उसमें, फलाना ढिकाना बहुत से घास फूस हो जाते हैं ना वो। मैं अभी पैदल जा रहा हूँ क्योंकि ये तो पहले ही निकल गए थे और जो मेरे बड़े भैया हैं वो लेके निकल गए थे, बाकी मैं इधर देखने आया था। अभी चलते हैं देखते हैं वहाँ पे, और शाम को जो है वो बोनी की मशीन भी छोड़ के आनी है मामा जी के यहाँ पे, क्योंकि अपनी वाली जो है बेकार हो गई थी। दो हैं अपने पास, एक अपने पास अभी है नहीं और एक बेकार हो गई बड़ी वाली, तो फिर चने की बोनी करने के लिए लेके आए थे उनकी। शाम को चलते हैं छोड़ने के लिए, अभी ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं इस वीडियो को, दिखाते हैं फिर आपको अभी चल के वहाँ। ये भाई देखो, इधर लगभग 20 दिन की गेहूँ हो चुकी है और इसमें एक पानी भी हो गया है, मतलब ये पूरे एरिए भर में सबसे पहले लगी हुई थी। और ये इसके बाजू में है अपना खेत, ये देखिए ये वाला, तो इसमें चने की बोनी की हुई थी परसों के दिन। और इसके जस्ट इस साइड भी अपना ही है वो जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, मैं चल के दिखाता हूँ। सोनाली का लेके आए हैं अपन दवाई डालने के लिए। ये जो फेंसिंग है ना, ये अपने खेत के नीचे है तो इसे भी ऊपर रखनी है पूरी। यहाँ पे ये रोड बना था उस टाइम पे, मिट्टी की पुराई हुई थी तो सारी की सारी नीचे करनी पड़ी थी, तो ये भी ऊपर करना है अभी अपन को। देखते हैं जिस दिन टाइम मिलेगा चने उगने से पहले, क्योंकि ये जो गाय बैल होते हैं ना ये परेशान करते हैं फिर। ये देखिए भाई, पूरा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, और दवाई डालने की मशीन भी है ये अपना जो डाला है वो। बस अभी मोटर चालू करके और ये ड्रम को भरना है और फिर स्प्रे चालू। तो सोनाली का लेके आए थे, अर्जुन जो है घर पे ही खड़ा हुआ है, उसे नहीं लाने का अभी एक कारण था। ये देखिए इसे खोल के चलाना पड़ता है, ये न्यू हॉलैंड के साइज़ का है इसलिए। तो ये जो इतना सा खेत है ना, ये छोटा सा, इसमें डालनी है दवाई, ये 1.5 एकड़ के समथिंग है। तो ये डालने के बाद और पूरा काम अपना कंप्लीट हो जाएगा तो सारे ट्रैक्टरों की धुलाई करेंगे फिर। देखिए कितने गंदे हो रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको जब स्प्रे होगा तो चलती हुई मशीन को। भाई अभी अपन लेके चल रहे हैं इसको, ये देखिए बोनी की मशीन लगी हुई है पीछे और अभी इसको छोड़ के आना है अपन को। ये देखिए टमाटर की खेती कितनी हो रखी है यहाँ पर, इस साल टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा है हमारे इस क्षेत्र में। और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने चने की फसल तो बोई है लेकिन और ऑर्डर किया ना उसको कुछ किया खेत में डायरेक्टली बो दी। अब ये देखिए, ये जो ब्लेड का सामने वाला है ना, ये जो इस पे लाइट लगाते हैं, मैं इसी की बात कर रहा था। अब ये ना थोड़ा सा व्यू ब्लॉक करता है कुछ भी हो, अब अगर अपन इसको निकाल लेंगे और ये थोड़ा मतलब ट्रैक्टर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रोड पे चिपक के चल रहा है, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन ये अपन निकाल देंगे इसे भी। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन को कम करनी है, और इसकी जो छोटा टूल बॉक्स है वो लगाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये अपने काम का है नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी जो करनी थी। बाकी भाई अभी मैं सोनाली का लेके ही जा रहा हूँ, अर्जुन में क्या है कि उतना कंफर्ट नहीं है चलाने में अगर कहीं लेके जाओ, और वो रोड पे भी इतना सही चलता नहीं, 16 के टायर हैं, तो सोचा इसीलिए मैंने कि ये सोनाली का को रख लिया जाए। तो ये भागता भी अच्छा है ये देखिए, लेकिन अभी अपने इसमें बोनी की मशीन फंसी हुई है, वो ऊपर नीचे ज़्यादा घूमती है,
इसलिए अपन इसको भगाएंगे नहीं। ये कुछ साइलेंसर, इसका पूरी आवाज चेंज हो गई है, देखिए आप, ऐसा लगता है जैसे कोई अपन जेसीबी की आवाज होती ना, वैसा इंजन हो गया इसका नवा आवाज। तो ये थोड़ा ओवरवेट इसमें डला हुआ है, ये अपन को ये भी निकालनी है। ये सारी चीजें अपन खोल के रख देंगे यार, मतलब जो जो आसानी से खुल जाए वो चीजें अपन खोल लेंगे इसकी, क्योंकि अब उधर गर्मियों के सीजन में ही काम होगा इनका, जब तक कोई काम नहीं है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को अपन करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, कोई अच्छा सा देखते हैं, करतार का रिव्यू करते हैं अभी अपन जो अपनी मशीन थी, और एक दो दिन में जो है अपनी दूसरी मशीन भी आ जाएंगी। तो ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।